आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। वाराणसी बड़ा गांव गरीबों के प्रति दबंगों की क्रूरता थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ ऐसा ही मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जनपद वाराणसी के बड़ा गांव थाने के अंतर्गत महदेवपुर का है, जहां पर दबंगों के द्वारा 6 मार्च की रात्रि लालमन राम की झोपड़ी फूंक दी गई। झोपड़ी में सो रहे लालमन राम के लड़के अपनी जान बचाकर बाहर भागे, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। पास पड़ोस के लोगों को एकत्रित होने में झोपड़ी जलकर खाक हो चुकी थी, जिसमें पीड़ित का लगभग 50,000 की संपत्ति का नुकसान हुआ। मौके पर से पीड़ित के पुत्र ने सतीश कुमार, रवि कुमार पुत्र स्वर्गीय राम जियावन और अन्य लोगों को भागते हुए देखा। सुबह होने पर पीड़ित ने थाने पर तहरीर दी, जिसमें स्थानीय पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की, जिससे निराश होकर पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी के यहां शिकायत की खबर लिखे जाने तक प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की। पीड़ित का आरोप है कि दबंगों के भाई मजिस्ट्रेट हैं, जिनके दबाव में प्रशासन कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहा है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत की, वहां से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। नाम है आपका? लालमन सर। लालमन जी सर। अच्छा, क्या मामला है आपका? हमारा मामला जो है कि मड़ई हमारी जला दी गई। अच्छा, मड़ई आपकी जला दी गई है जी सर। तो किस पर शक है आपका? हमारा शक सतीश कुमार, रवि कुमार पर शक। ये कौन है? ये हमारे विपक्षी हैं। ये आपके विपक्षी हैं जी सर। तो क्या आपने देखा उनको मड़ई जलाते हुए या वहाँ से भागते हुए? हमारे लड़के, दो लड़के से मड़ई में सोए थे सर, उन दोनों देखे। अच्छा, आपके दो लड़के मड़ई में सोए थे, दोनों लोग देखे उस चीज़ को जी सर। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? जी सर, हमने थाने पर शिकायत की। अच्छा, थाने पर शिकायत की है जी सर। तो क्या हुआ वहाँ से, क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया? जी सर, कोई एक्शन नहीं लिया। दोबारा हमें बुलाएगा तो हमें घर को भगा दिया गया। अच्छा, पहली बार जब आप गए तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके बाद दोबारा जब आप गए तो आपको घुड़क कर भगा दिया गया, ऐसा क्यों? इसलिए कि वो लोग दबंग पार्टी है सर, उनका भाई जो है मजिस्ट्रेट है और एक मास्टर है। अच्छा, उनके जो आप लोगों की मड़ई जो फूके हैं, उनके भाई मजिस्ट्रेट हैं जी सर। अच्छा अच्छा, तो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग जी सर, इसलिए हमारा थाने पर सुनवाई नहीं हो रहा। तो थाने के बावजूद आप जब दर्ज कराए तो वहाँ से क्या हुआ, जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर आपने शिकायत दर्ज कराई तो मोबाइल के मैसेज में से इतना लिखा गया सर कि थाने के लिए अथवा कर दिया गया है रेफर। अच्छा, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा अच्छा, ये कौन से दिन की घटना है? ये 6 तारीख का है, 6/3 6 मार्च की घटना है ये जी सर। अच्छा, तो यह बताइए कि इसके बावजूद भी आपने और किसी पुलिस अधिकारियों के यहाँ संपर्क करने का प्रयास किया? जी सर, हम दिए थे कमिश्नर के। पुलिस कमिश्नर के यहाँ दिया था आपने? पुलिस कमिश्नर के यहाँ 10 तारीख के सर से 10 तारीख को दिया था जी सर। तो पुलिस कमिश्नर के यहाँ से 10 तारीख को आपने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन वहाँ से भी अभी कोई मतलब कार्रवाई वैसा नहीं हुआ है? जी नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं। तो अच्छा, क्या चाहते हैं आप इसमें? इसमें चाहते हैं सर कि उसी जाँच हो। हाँ, जैसे कि जो भी दोष आ रहा है।